पूजते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समाचारों के बाद नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के इस एपिसोड में। और वैलेंटाइन डे के साथ साथ देशभक्ति को भी हम लोग याद कर रहे हैं, उन शहीद जवानों को भी याद कर रहे हैं बड़े प्यार से। और ये प्रेम का दिवस जो है हमें दोनों चीज़ों को याद दिला रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में हमारे बीच में पंजाब से एक खास मेहमान पहुंचे हुए हैं, स्नेहा जी। बीके स्नेहा दीदी हमारे साथ में है, उनसे हम लोग बातें करेंगे। तो आप सभी की तरफ से स्नेहा बहन का बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी जी। और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम शांति सुरेंद्र जेठाना से बोलता हूँ, कैसे हो? जी बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे हैं। और बस सुबह का दिन हो गया है शुरू। जी 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 जी, हमारी तो नई किरण से शुरुआत होती है दिन की। जी 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 जी। और बस आप आते हैं तो हमारी बस एक कहते मुस्कान शुरू हो जाती है सुबह से। अच्छा। और जी, और आज जो पुलवामा में जो जो हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे, तो आज कहते हैं कि आज काला दिन से जाना जाता है आज का दिन। तो बस हम तो कहते हैं कि सभी हमारे जो शहीद हुए तो इसकी हम श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि जो भारत माता के लिए सब कुछ किया है, हमारा एक हमारे सुरक्षा के लिए वो शहीद हुए है, ऐसे तो हम कहते हैं कि हमारी रक्षा करते हैं, तो हम उसको बहुत बहुत नमन करते हैं और वंदन करते हैं कि आज हम अच्छी तरह से, तो हमारे जवानों के हिसाब से हम अच्छी तरह से, तो ये दिन तो हम कभी बोल भी नहीं पाते और भूलना भी नहीं चाहिए। तो और एक खुशी का दिन भी है, आज वैलेंटाइन डे है, तो ये भी कहते के है प्यार भी है सब कुछ है, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। प्यार में सब कुछ, हम प्यार जो में से बैठ रहेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा खुशी होते रहेंगे तो हमारा कोई भी दर्द हो तो भी चला जाएगा। सही बात है। और कहते हैं कि जो वैलेंटाइन डे है तो कोई इसकी याद में मनाया जाता है, कोई राजा केल्डियस का कोई पुण्य दिन था, तो इसके बारे में दिन मनाना शुरू किया है सबसे। और बहुत अच्छा अच्छा दिन है आज, मुमताज का भी कोई मुमताज बेगम का भी दिन है, हमारी का भी दिन है। अच्छा, सारा याद है आपको? सब कुछ तो मेरे पास से सब कुछ है सर, मैं आपकी आपकी आवाज से मेरा सब मैंने लिखा हुआ है। और अच्छा, आपकी आवाज से आज मैं पूरा, तो क्योंकि हर साल डायरी मेरी पूरी होती है और बस नई शुरुआत होती है, पन्ना पलटता पलटता रहता है और दिन भी थोड़ा कम रहता है। हमारा जीवन का एक एक दिन भी कम होता जाता रहा है कि हम कितने साल जिए, तो एक एक पन्ना भी थोड़ा कम हो रहा है। तो बस आज तो गाना तो बहुत बढ़िया आपने सुना दिया, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, और एक दूसरा भी गाना जरूर सुना देना है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, क्योंकि शायद उनके दिन गाना बजेगा तो वो अच्छा रहेगा और इसकी याद में हम कुछ ना कुछ तो याद जरूर रखते हैं। चलिए सुरेश, हमारे प्यारे प्यारे मित्रों को नमस्कार, आपको नमस्कार, सब खुश रहे और अच्छी तरह से दिन मनाएं, अच्छा भी दिन है और थोड़ा प्यार भरा भी दिन है और थोड़ा ये भी दिन है, तो सबको नमस्कार। अच्छा सुरेश जी, खुशखबरी है, पंजाब से दीदी आई हैं, उनको ओम शांति करो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज बहुत बस बहुत खुशियाँ मिल रही हैं हमारे मध्यवन एरिया से। और आप जैसे दीदी हर दम कुछ न कुछ हमारे मेहमान आते जाते हैं, तो हमको भी एक अच्छा मौका मिल जाता है बात करने का, क्योंकि हमारा भी एक सौभाग्य है, वरना हम जो रेडियो मधुबन नहीं होता तो ये बात भी हम नहीं कर पाते दीदी। आप बहुत खुश हो रहे हैं, आपको तो खुशियाँ मिल रही हैं, तो आप बांट भी रहे हैं? बिल्कुल, बहुत खुशियाँ मिलती है, बहुत सुबह से शाम तक हमारा दिन कब चला जाता है, पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता। सुबह से हम तो
9 साल से रेडियो मधुबन से जुड़े हैं, कई बार वहाँ भी आ चुके हैं, रेडियो स्टूडियो में भी आ चुके हैं। और बस आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार दीदी, आप खुश रहे जी, शुक्रिया, आप भी बहुत खुश रहिए, रहो ऐसी हम बाबा से दुआ करते हैं हम। ओम शांति। सूर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। तो ये थे जोटाना से सूर्य जी, रेडियो मधुबन का हमेशा सुनते और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो आइए स्नेहा बहन हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे और मैं चाहूँगा कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उस एरिया के बारे में कुछ बातें हमें ज़रूर बताइए। जी हम मोगा पंजाब से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। तो मोगा के अंदर जो सेवाएं हैं तो वो बहुत कम थी, जिस वजह से बाबा ने हमें वहाँ पर रखा। और उस एरिया में नशा जो एडिक्शन है, हर तरह का नशा हर घर में, कोई भी एक घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कोई नशा नहीं करता है। तो 85 विलेज हैं आसपास, जो 85 गांव, 85 गांव। तो 85 गांव के अंदर आप सोचिए कि हर घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो जो सारा है चीज़ें वो मन से क्रिएट होती हैं। तो किसी को सोचना नहीं आ रहा है, बिहेव करना नहीं आ रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स डेली रूटीन में आती हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं। तो सोच की या तो अपने शरीर पे पड़ता है, बीमारी हो जाती है कोई, या तो फिर वो नशा करते हैं। तो इन चीज़ों को हम ख़त्म करने के लिए बाबा ने हमें वहाँ पर भेजा है। क्या बात है। तो अभी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सेवाएं चल रही हैं, अभी स्टार्ट ही किया है। अच्छा अच्छा। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, रमेश भाई, मैं सुरेश भाई दानेरा से बोल रहा हूँ। जी दानेरा से सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कैसे हैं आप। बहुत अच्छे हैं, और जो अभी बातें भी सुनी बहन जी की, बहुत अच्छा लगा। जी जी। और मैं रेडियो सुन रहा हूँ अभी, कॉल करके भी आज के दिन की शुभकामना दे रहे हैं, और खास करके जो आज ही के दिन जो पुलवामा हमले में जो हमारे शहीद हो गए थे जवान, तो हम उनको पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। जी जी। और फिर उनके लिए वो एक गाना है के सारे फिल्म का, के मिट्टी में मिल जावा। जी जी। तो हो सके तो जरूर रोंगटे खड़े करने वाला चाहेंगे, तो वो सुनवाइए और सभी दोस्तों को। नमस्कार नमस्कार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं स्नेहा जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। और जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके आसपास में 85 गांव हैं और वहाँ पर नशे का जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगों के बीच में रहता है। तो उसे कम करने का जिम्मेवार इन्होंने अभी हाल ही में 1-2 साल से लिया है, और वो सेवाएँ भी कर रही हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप। बस बहुत ही बढ़िया है, वो आने वाले दीदी जो आए हैं उनको भी हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग और ओम शांति। ओम शांति जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया, आज दोनों दिन है, एक तो शहीदी का दिन है, उनको हमारा प्यार भरा सलाम, और जिन्होंने उनके साथ ये किया है उनके पूरे परिवार और उनका वो क्या कहते हैं पूरा जीवन काला दिन की तरह निकले। ऐसी बदुआ तो नहीं देनी चाहिए, मगर ऐसा हम बोलते हैं कि दूसरा कोई ऐसा कोई सोच ही ना सके कि शहीदों को इस तरह से जो हमारे जवानों को शहीद करे, किसी की हिम्मत ही ना पड़े जी। और दूसरा वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे में मैं सभी दोस्तों से एक ही बात करना चाहता हूँ, आई लव यू का मीनिंग कहना चाहता हूँ। आई लव यू आप किसी को भी बोल सकते हो, पापा को भी बोल सकते हो, मम्मी को भी बोल सकते हो, सिस्टर को भी बोल सकते हो, अपना अपना तरीका होना चाहिए। लव हम सबसे करते हैं, हर किसी से करते हैं। तो मम्मी पापा को सबसे पहला करना चाहिए जी, वैलेंटाइन डे की जर्नी नहीं, सबसे पहला मम्मी पापा से ही शुरू करनी। सही बात है, बस यही कहना चाहता हूँ। ओके जी, दोस्तों को हमारा प्यार भरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार। सुरेश भाई ने बोले हुए बता दीजिएगा, उसमें हमारा हेल्प है, मदद। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। तो आइए आज जो है श्रद्धा सुमन के साथ साथ प्रेम वाला दिन है जिसके बारे में आप सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और शुरुआत कहाँ से करें कैसे करें ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन प्यार की बात आती है तो हम सभी एक जो है आध्यात्मिक अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं और इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो शायद हमारा जीवन प्रेममय हो जाता है। और स्नेहा दीदी हमारे साथ हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक मैसेज ज़रूर हमारे श्रोता मित्रों को बताइए आज के दिन, एक अच्छा संदेश अध्यात्म कैसे हमारे जीवन में एक समन्वय लाता है उसके बारे में बताइए। तो हमारे सभी जो भी सुनने वाले हैं भाई बहन, जी जी, तो सबको आज के दिन के लिए बहुत दुख है और एक तरफ खुशी भी है कि अच्छा वैलेंटाइन डे है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वैलेंटाइन डे प्यार का दिन बोला जाता है, जैसे लोग बोलते हैं भाई बहन के साथ या माँ बाप के साथ भी प्यार है। तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा प्यार ईश्वर भगवान गॉड हमसे करते हैं। तो हमारे लिए वो इस धरती पर आ गए हैं, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही प्यार दिखाना चाहिए। तो मेन प्यार हमारा उनके साथ है, बाकी जो भी हमारे संबंधी हैं उनके साथ हम अपना रिश्ता निभाते हैं। तो उनके साथ रिश्ता निभाते हुए जो हमारा रियल रिलेशन है ईश्वर पिता परमात्मा के साथ, उनको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो प्रॉब्लम की मेन वजह ये होती है। सही बात है ना, क्योंकि दुनिया में भी हम देखते हैं कि अगर किसी के साथ आपका प्यार होता है, कोई आपका रियल रिलेशन है, आप उसको छोड़ करके बाहर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो फैमिली डिस्टर्ब होती है उससे, है ना। तो हमारी जो परिवार है बोलते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ईश्वर के साथ हमारे सारे संबंध हैं। तो हमें जिस संबंध से भी दुख की प्राप्ति हो रही है, मीन मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी को फादर से मदर से हस्बैंड वाइफ की आपस में या बच्चों से या पड़ोसियों से या फ्रेंड सर्कल से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो रिलेशन अपना ईश्वर पिता परमात्मा के साथ जोड़ें। तो जैसे ही आप उनके साथ अपना रिलेशन जोड़ेंगे तो उस संबंध से आपको कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो आप सुखी हो जाएंगे। तो सुखी जीवन जीने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि अपना रिलेशन जो है वो पिता परमात्मा के साथ जोड़ें, खुद को आत्मा निश्चय करें और उनको भी पिता परमात्मा समझकर या जो भी संबंध जोड़ना चाहते हैं तो उनको याद करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम नई किरण आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपको मिला, इस मैसेज को आप अपने जहन में रखिए। सबसे पहले तो आपका पूरा जो है तमय व माता च पिता बंधु सका तमय, उस ईश्वर के प्रति जो प्यार है उसे बरकरार रखिए और फिर बाद में सभी रिश्ते जो है आपके सुंदर हो जाएंगे। आप सबके साथ उसी प्यार को बांटते चले और प्यार बांटना ही बहुत ज़रूरी है ना। प्यार पाने का रास्ता अगर मिल जाता है और मिलता है तो फिर बांटना आसान हो जाता है। तो पहले हमें ईश्वर से सारा प्यार जो है प्राप्त करना है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति वाला गीत अभी हमारे सभी दोस्तों ने याद किया वो सुनते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो। हमने सर पे ये